नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस दूसरे सेशन में जिसका नाम है नो योर स्पाइन। आशा करता हूँ कल का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ समझने में दिक्कत आई, लेकिन डरिएगा मत, आज के सेशन में सारी चीज़ें कवर कर देंगे और क्लियर भी हो जाएगा कि क्या क्या हमने सीखा था। जब हम समराइज करते हैं ना तो वो ईजिली याद रह जाता है। तो पहले हमारा समय है होमवर्क को चेक करने का। आशा करता हूँ आपने होमवर्क किया होगा। तो कल मैंने होमवर्क बताया था आपको दो कॉलम बनाने के लिए। एक कॉलम में आपको मूवमेंट्स के नाम लिखना है। किसके मूवमेंट जी? स्पाइन के मूवमेंट्स। कितने होते हैं टोटल? चार पॉसिबल मूवमेंट है। कुछ लोगों ने मुझे इस पर सवाल भी पूछे जिसका मैं अभी आंसर आपको देता हूँ। और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है नेम ऑफ आसन, मतलब योगासन का नाम लिखना है जिसमें वो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे स्पाइनल फ्लेक्शन, इधर आपने लिखा पहले कॉलम में स्पाइनल फ्लेक्शन, तो स्पाइनल फ्लेक्शन यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकना। तो आगे झुकना जिस भी आसन में होता है उन आसनों के नाम आपको लिखना है, पांच आसनों के, कम से कम पांच आसन लिखने हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हम समझ गए। अभी मैं इसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी देता हूं जिससे आपके मन में जो सवाल आ सकते हैं भविष्य में भी, या फिर आपको कोई पूछ सकता है तो उसके जवाब आपके पास हो। अगर आप गर्दन को नीचे झुकाते हैं तो गर्दन भी, हमारा जो नेक रीजन है, ये भी स्पाइन का पार्ट है और उस वजह से वो भी स्पाइनल फ्लेक्शन कहलाता है। स्पेसिफिकली सर्वाइकल रीजन होने की वजह से इसे आप सर्वाइकल फ्लेक्शन कह सकते हैं, आगे झुकाना गर्दन को, है ना। दूसरा, अगर आप स्पाइन में कहीं से भी बेंडिंग करते हैं सामने की ओर तो वो स्पाइनल फ्लेक्शन होता है। तीसरी बात, अगर कोई फॉरवर्ड बेंड करता है, जैसे कुछ लोग जो है पहले पहले बार जब योगाभ्यास करते हैं, योगासन करते हैं, तो जब झुकना होता है, बेंडिंग करनी होती है, तो वो पहले अपनी गर्दन को झुकाते हैं या फिर अपर बैक से झुकते हैं, है ना, आपने भी देखा होगा। फिर हम उनको बोलते हैं कि भैया पीठ को, आपके बैक को स्ट्रेट रखो और फिर झुको, 90 डिग्री में झुको। ऑलराइट, हम उनको वो अभ्यास कराते हैं, तो उस वजह से उनकी जो स्पाइनल मूवमेंट है ये ठीक होने में मदद मिलती है, है ना। और वो जो स्पेसिफिक हम मूवमेंट कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, वो भी इजीली हो जाता है। अभी यहां पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति सामने की ओर झुक रहा है और पूरे स्पाइन में, इनके पूरे स्पाइन में कहीं से भी बेंडिंग हो रही है ना, आगे झुकते हुए, तो वो स्पाइनल फ्लेक्शन होगा, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप नीचे झुकते हैं, नीचे, आगे झुकने से अपेक्षा नीचे झुकना हम कहते हैं, तो नीचे झुकते हैं तो स्पाइन को नहीं बेंड करना चाहिए, आपको भी पता है। तो बेंडिंग कहाँ से होती है? बेंडिंग होती है हिप जॉइंट से, मतलब जब भी हम आगे झुकते हैं तो इस तरह से यहां से नहीं झुकते ना, आपको भी पता है, पीठ को, बैक को स्ट्रेट करके झुकते हैं। तो ये जो हमारे पैर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है पैर है, फीमर है ना, तो ये है हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट कैसा है? बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ये कैसे भी मूव हो सकता है, 360 डिग्री इसकी मूवमेंट की कैपेसिटी है। तो जब आप सामने की ओर झुकते हैं तो स्पाइन को झुकाना है, नहीं झुकाना है आपको। बेंडिंग कहाँ से हो रही है? हिप जॉइंट से बेंडिंग हो रही है। स्पाइन पूरा जैसा था उसका अलाइनमेंट, जैसे कर्वेचर थे वैसे ही था, वैसे ही है, ऑलराइट। और फिर 90 डिग्री झुकाकर इसे फिर से हम सीधा करते हैं, है ना। तो यहां पर स्पाइनल फ्लेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मैंने ये इसलिए क्लियर किया क्योंकि आप कहेंगे सर जी आपने तो कल बताया था कि सामने अगर झुकते हैं तो स्पाइन का फ्लेक्शन है। अरे भैया, स्पाइन अगर बेंड हुआ तो ही स्पाइनल फ्लेक्शन होगा ना। तो अगर कोई नया नया व्यक्ति है, पीठ को अपने स्ट्रेट नहीं रख सकता, उसको झुकाकर नीचे झुकता है, तो उसका स्पाइनल फ्लेक्शन हो रहा है और हिप जॉइंट से भी फ्लेक्शन हो रहा है, हिप जॉइंट से भी वो बेंड हो रहा है। और अगर वो पीठ को स्ट्रेट रखकर सामने झुकता है, जो कि थोड़े बहुत प्रयास से इजीली हो जाता है, तो वो स्पाइनल फ्लेक्शन नहीं कहलाता है, वो है फ्लेक्शन फ्रॉम हिप जॉइंट। हिप जॉइंट है ना, हिप जॉइंट जो होता है ना, जो फीमर, जो हमारा फीमर है, थाई बोन और हिप बोन, पेल्विक बोन भी इसे कहते हैं, इनके बीच में जो जॉइंट है जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं, उससे हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया स्पाइनल फ्लेक्शन। उसके आगे पांच आसनों के नाम लिखो। तो ये मैंने बात इसलिए बताई कि हो सकता है आपके उन पांच आसनों में उस भी आसन का नाम हो जिसमें आपके स्पाइन को आइडियली नहीं झुकाना चाहिए, आपको हिप जॉइंट से बेंडिंग करनी चाहिए, लेकिन सर ने कहा था, राम सर ने, कि भैया आगे की ओर झुक रहे हो तो आप स्पाइनल फ्लेक्शन लिखो। तो आगे की ओर झुकना
आप लिख सकते हैं तभी अगर स्पाइन से मूवमेंट एक्सपेक्टेड है तो ही, ठीक है, अगर स्पाइन से मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है तो ही आप आगे की ओर झुकने को कहिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा मूवमेंट स्पाइनल एक्सटेंशन, ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब भी आप स्पाइनल एक्सटेंशन करते हैं क्या होता है स्पाइनल एक्सटेंशन, पीछे झुकना, बैक बेंडिंग। तो यहां पर हमें समझ में आता है ये स्पाइन का एक्सटेंशन है बैक बेंडिंग यानी। तो एक सवाल आपके मन में आता होगा कि अगर हम स्पाइन को ऊपर खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ताड़ासन कर रहे हैं, तो अगर आप सिंपली हैंड्स को आपके ऊपर रेज करते हैं और ऊपर खींचते हैं तो स्पाइन एक्सटेंड होगा ना, ऐसे ऊपर खींचा जाएगा। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं सर जी, आपने तो कहा था चार ही प्रकार की मूवमेंट होती है, आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड में झुकना और रोटेट करना। तो जो एक्सटेंशन हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे? सही जवाब आपके क्वेश्चन में ही है, ये स्पाइन का एक्सटेंशन ही है। एक्सटेंशन मतलब खींचना, तनाव। तो स्पाइन में तनाव पीछे झुकने से भी आता है या फिर आप ऊपर भी झुका, ऊपर भी खींचते तो भी आता है। तो आप भले ही हाथ ऊपर करके स्पाइन को ऊपर खींच रहे हैं तो वो भी स्पाइनल एक्सटेंशन है, और पीछे झुक रहे हैं तो वो भी स्पाइनल एक्सटेंशन है। तो अभी कमेंट्स में लिखिए एक आसन का नाम जिसमें स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, और दूसरी कमेंट में लिखिए एक आसन का नाम जिसमें स्पाइन का एक्सटेंशन होता है। लिखिए जल्दी, आपके पास अभी 15 सेकेंड है। ग्रेट 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 ग्रेट, इतने फास्ट टाइप कैसे कर पाते हैं आप सभी लोग, कमाल है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, करेक्ट लिखा है। मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है ज़्यादातर लोगों को ये बातें पता हो, तो जिनको पता है वो फटाफट ग्रास्प कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता है तो मुझे बहुत बेसिक से भी समझाना होता है, और मुझे पसंद भी है बहुत बेसिक से समझाना। सो थैंक यू सो मच, आज भी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का भी सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है, कल भी आपको सरप्राइज मिलेगा, सो जुड़े रहिएगा। ओके ऑल राइट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक दो लोगों के थोड़ा सा आंसर गलत है, वो चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। सिंपल है जी, देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग यानी फ्लेक्शन, बैक बेंडिंग यानी एक्सटेंशन। ऑल राइट, वेरी सिंपल। ओके सो आगे बढ़ते हैं। यस यस करेक्ट है। देखिए अभी नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट, वो है स्पाइनल लैटरल रोटेशन, लैटरल फ्लेक्शन, स्पाइन का लैटरल फ्लेक्शन। तो साइड में जिसमें हम झुकते हैं, लिखे उस आसन का नाम जिसमें साइड बेंडिंग होती है, लिखे उस आसन का नाम जिसमें साइड बेंडिंग होती है। तो साइड बेंडिंग जिसमें होती है उसे हम कहते हैं लैटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। वैसे तो आपको होमवर्क 5-5 आसन का था, है ना, हर मूवमेंट के लिए 5 आसन, हो सकता है आपने लिखे भी हो नोटबुक में। बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछा सर कहाँ शेयर करें, तो अभी यहाँ पर आपको कमेंट्स में नोट करना है कि जो भी आसनों के नाम आपने लिखे हैं उसमें से 1-2 आसन इसमें लिखेगा, ठीक है। ओके वेरी नाइस करेक्ट। स्पाइन का लैटरल फ्लेक्शन के ज़्यादा आसन है नहीं, ठीक है, फ्लेक्शन के हैं, एक्सटेंशन के हैं, लैटरल फ्लेक्शन के बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल रोटेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, और इन जनरल फ्री होने के लिए हर कोई करता है। आपको पता है स्पाइन का जब भी हम मूवमेंट करते हैं, तो जैसे कोई सुबह जागे है नींद से, या फिर कोई चेयर पर बैठे हैं बहुत टाइम तक और फिर थोड़ा फ्री होने के लिए गए, तो वो कभी बैक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग करने की अपेक्षा थोड़ा ट्विस्टिंग कर लेते हैं, वो इजी रहता है ट्विस्टिंग, इधर ही घूमना होता है ना। तो ट्विस्टिंग के बताइए कौन से आसन है जिसमें ट्विस्टिंग होती है, जिसे हम स्पाइनल रोटेशन कहते हैं। 2 आसनों के नाम लिखे जिसमें स्पाइनल रोटेशन होता है। एक ही आसन का नाम स्टेज 1 स्टेज 2 या फिर लेवल 1 लेवल 2 कहकर मत लिखिएगा, नहीं तो लिख देंगे लेवल 1 लेवल 2 इसी आसन। 2 आसन लिखिए अलग अलग, ठीक है। हाँ वेरी नाइस करेक्ट। फास्ट फास्ट फास्ट, सभी लोग एक्टिव रहिए, कोई भी बिस्तर पर लेट कर इस सेशन को नहीं सुनेंगे, है ना, ध्यान से बैठ कर सुनना है। जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया है तो मुझे बताइएगा प्लीज, कल का सेशन अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। स्पाइन के बारे में हर योग शिक्षक को पता होना ही चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे सारी दृष्टियों से आप देखें, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सभी वे से स्पाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज उसका आपको वो एंगल भी पता चलेगा स्पाइन का, महत्व का, ठीक है। फंक्शन जानेंगे ना जी, उसमें आपको पता चलेगा कि स्पाइन कितना दैवी गुणों से संपन्न है। वैसे सारा शरीर ही हमारा दैवी गुणों से संपन्न है, है ना। ओके, सृष्टि ही दैवी गुणों से संपन्न है। नेक्स्ट लिखिएगा,
बेनिफिट्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। अभी हम सिखाना स्टार्ट करते हैं, कल की हमने होमवर्क देख लिया, एक बार मैं कल का रिवीजन भी कर दूंगा इन बिटवीन। लेकिन लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। अभी क्या समझने वाले हैं हम सर जी, कल तो कर्वेचर आपने पढ़ा दिया, कल कर्वेचर आपको पढ़ा दिया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं पढ़ाया, तो अभी उसका बेनिफिट पढ़ेंगे, फायदा तो जानना होगा ना जी। अभी बताइए स्पाइन में कर्वेचर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, यस और नो, कितने टोटल कर्वेचर होते हैं, 10 होते हैं। नहीं सर जी, कहाँ 10, इतनी बार रिपीट किया कल, 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्पाइन में कर्वेचर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कर्वेचर जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है वेट बैलेंस। वेट बैलेंस क्या होता है सर जी, देखिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, हेड बड़ा है नेक के कंपैरिजन में, नेक थीन है, चेस्ट हमारी ब्रॉड है, और नेचुरली हमारा स्टमक चेस्ट से थोड़ा सा छोटा होता है। कहाँ सर, हम कितना नेचुरली प्रयास करते हैं, हमारे बॉडी में तो पेट ही सबसे बड़ा है ना, आजकल की समस्या है। लेकिन नेचुरली अगर आप देखें, हो सकता है चेस्ट से किसी का बड़ा हो, चेस्ट से किसी का छोटा हो, तो ये एब्डोमिनल रीजन चेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। अगेन जो हिप रीजन है, पल्विक रीजन है, ये और ब्रॉड होता है, थाइज रीजन और ये हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो ये जो अनइवन मैन ये है वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप सोचिए स्पाइन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसा कर्व नहीं होता, स्ट्रेट होता, तो वेट को बैलेंस ठीक से नहीं कर पाता, वो इधर इधर गिर सकता था। ऑल राइट, तो ये वेट को बियर करने के लिए प्रॉपरली उसका कर्वेचर हेल्प करता है। तो कर्वेचर का पहला बेनिफिट क्या है, टू बेयर अ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट ऑफ आवर बॉडी, है ना। मतलब जो अलग ढंग से ये वजन को रखा गया है, सर बड़ा नेक छोटी, हम ऐसे सिलेंड्रिकल थोड़ी ना है, सिलेंड्रिकल है क्या, हम नहीं है, हम थोड़े से इस तरह से है, तो इस कारण से स्पाइन का कर्वेचर होता है। इसमें बोलने के लिए इतनी सारी उदाहरण है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं दे ही देता हूँ, अभी क्या है, कहाँ रुके बोलना। तो देखिए आपने देखा होगा जो लोग का पेट बाहर आता है बहुत ज़्यादा, देखा है सर जी, एक ऐसा सवाल है, देखा है हमने। तो जिन लोगों का पेट बाहर आता है उन लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे, उनको जब फॉरवर्ड बेंडिंग करनी होती ना, बड़ी दिक्कत होती है फॉरवर्ड बेंडिंग करने में, या तो बैक पेन होता है, या फिर बैक पेन तो भले ही ठीक है मसल की वजह से है, लेकिन जब वो आगे झुकते हैं ना तो गिर जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला है, तो वो आगे जब झुकने की कोशिश करते हैं तो आगे गिर जाते हैं। अभी आप में से हो सकता है ज़्यादातर लोगों का ये नहीं हो प्रॉब्लम, तो इसलिए आप उसको ये नहीं करते, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन आपके अगर कोई स्टूडेंट है, क्लाइंट है, तो उनको बोलिएगा आगे झुकने के लिए और पूछिएगा कि बैलेंस आगे झुकता है या नहीं झुकता है, इसका क्या कारण है, क्या सर जी उनके स्पाइन में कर्वेचर नहीं है। है भैया जी, है। बेसिकली ये स्पाइन के कर्वेचर फिक्स होते हैं, और ये फिक्स होने के कारण अगर किसी का एब्डोमिनल ग्रोथ भी होती है तो ये कर्वेचर एकदम से उसको बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, सेंटर ऑफ मास जानते हैं ना, जिस पर सारा वजन कॉन्सेंट्रेटेड है, वो होता है हमारे नाभि में। अभी इन भैया की या फिर इन जो देवी जी हैं इनकी नाभि अगर आगे आ चुकी है वजन बढ़ने की वजह से, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी आगे आया है, तो इसी वजह से जब वो सामने झुकते हैं तो उनका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स फॉलिंग होता है, तुरंत नीचे गिर जाने का होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो वो होता है इसमें। आगे मैं वो बैक पेन का भी बताऊंगा आपको किस कारण से होता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम पढ़ रहे थे स्पाइनल कर्वेचर का बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट था कि इस वेट को मैनेज करना, जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है बॉडी का उसको बैलेंस करना। सेकेंड कर्वेचर का बेनिफिट लिखिएगा, सेकेंड बेनिफिट ऑफ दिस कर्वेचर, अलाउिंग स्पाइन, लिखे एक एक शब्द लिखे, अलाउिंग स्पाइन फॉर फ्री एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक, अलाउिंग स्पाइन फॉर फ्री शॉक एब्जॉर्प्शन। सर जी ये कैसी अंग्रेजी भाषा आप बोलते हैं, ये कैसे, देखिए मैंने ये जो शब्द उपयोग किए वो कीवर्ड्स है इसलिए मैंने वो कहा, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अभी आप फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टिक होनी चाहिए थी अभी, जस्ट अ सेकेंड।
समझ जाइए कि एक कोई स्टिक है, ऑल राइट। तो अभी ये स्ट्रेट है, अगर इस पर कोई दबाव आता है, समझ जाइए ये प्लास्टिक की है तो ये स्टील की लेकिन प्लास्टिक की है, आप समझिए, और उसके ऊपर अगर दबाव आता है और नीचे से भी दबाव आता है ऐसे एकदम फटाक से, तो क्या होगा, टूट जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे आप दबाव डालते हैं और ये इधर जा सकती है, उधर जा सकती है, हो सकता है ना, इधर उधर हो सकती है, मतलब बेंड हो सकती है। लेकिन अगर यही चीज ऑलरेडी बेंड है इस तरह से, जैसे हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन में जैसे कर्वेचर है, इस पर इम्पैक्ट भी आता है, तो ये जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा इजीली, वो इम्पैक्ट को सह लेगा, वो इम्पैक्ट को सह लेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बेंड्स है, उसमें ऑलरेडी झुकाव है, कर्वेचर है, तो उस इम्पैक्ट को ये इजीली सह सकता है। ये इसका दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा बेनिफिट है। अगर स्पाइन हमारा साइडवे से आप देखेंगे स्ट्रेट होता ना, तो इम्पैक्ट की वजह से ये जो बोन्स है इजीली टूट सकते थे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, बहुत सा प्रोटेक्शन हमें देता है, और अगर कोई दबाव भी इसके ऊपर आता है, इम्पैक्ट भी होता है, तो ये थोड़ा सा पीछे या इधर थोड़ा सा झुक कर उसको मैनेज कर लेता है, और बॉडी के वेट, सॉरी, बॉडी में कहीं और डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक है, और टूटता भी नहीं इजीली। ओके, सो ये था दूसरा बेनिफिट कर्वेचर का। कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तीसरा बेनिफिट लिखिए, जब आप मूवमेंट करते हैं, अलग अलग पोजिशन में होते हैं, तो उस समय बॉडी को बैलेंस करना, ये तो स्पाइन का ही काम है, स्पेशली इसमें कर्वेचर का इसमें बड़ा महत्व है। आप सोचिए ना, आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, आपने आगे झुके हैं, और आगे अगर आप झुके हैं, यहाँ पर आपका पेट है, यहाँ पर आपका फेस है, और अगर ये कर्वेचर नहीं होता, ये स्ट्रेट होता, तो बहुत पेन आता, बहुत स्ट्रेस आता यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता यहाँ पर, जो कि स्ट्रेट ना होने की वजह से नहीं आता है, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेट, जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इजीली ये मैनेज कर पाता है, ठीक है। ओके, तो ये था स्पाइनल कर्वेचर का बेनिफिट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी स्पाइन के फंक्शंस। सो राइट डाउन फंक्शंस ऑफ स्पाइन, लिखिएगा फंक्शंस ऑफ स्पाइन। ऑल राइट, देखिए इस साधारण से सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझाने की आवश्यकता इसलिए होती है, क्योंकि क्या है ना, हम कहते हैं ना, एक नज़र होती है हर एक्सपर्ट की। मतलब अगर कोई मैकेनिक है, तो समझो बाइक मैकेनिक है, कोई मोटरसाइकिल जो है उसको रिपेयर करने वाला है, हम बहुत बार कुछ भी करते हैं उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, फिर मैकेनिक के पास जाते हैं, वो तुरंत कुछ ना कुछ 2 मिनट में कर देता है और ठीक भी हो जाता है, हमें लगता है कि ये तो हम घर पर भी कर सकते थे, है ना। तो ये जो नज़र होती है वो उसमें आ जाती है अनुभव से, सीखने से, अनुभव से। आपने देखा होगा, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, और डॉक्टर आपको दवाई देते हैं और बताते हैं इस वजह से हुआ ये हुआ, हमें लगता है ये तो हम घर पर भी कर सकते थे, हमें भी पता था इसके लिए ये दवाई होती है ना। लेकिन डॉक्टर की क्या होती है, अनुभव होता है, जिसकी वजह से उनको नजर आती है। तो इसी तरह से इस विषय को, जो कि अनन्य साधारण है, इसको इतना डीपली समझाने का और हर पॉइंट को इतना इलेबरेट करने का उद्देश्य यही है कि आपको वो नज़र मिले, ताकि आप आपके पेशेंट्स की, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स का, या फिर आपका खुद का भी प्रॉब्लम को इजीली डायग्नोस कर पाओ कि भैया ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, कर्वेचर ऐसा क्यों हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा होगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन। जब कारण समझ में आता है, सॉल्यूशन तुरंत आ जाता है इस कारण से, ठीक है। सो राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्पाइन। नंबर 1 पर लिखे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या आता है, न्यूरॉन्स से बना एक बंच है, और न्यूरॉन्स हमारे सारे बॉडी में होती है, स्पेशली ब्रेन्स में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होती है, तो वो ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर पूरे बॉडी में जाती है। स्पाइनल कॉर्ड लगभग 45 सेंटीमीटर तक ऑन एन एवरेज होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, इसके थ्रू आउट पास होता है, आपको भी पता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इसके थ्रू आउट पास होता है, लेकिन यहाँ तक थोड़ी ना होता है, वो लोअर लंबर रीजन तक होता है, और फिर उसकी ब्रांचेस, ये जो आप येलो येलो दिखाई दे रहा है ना आपको इसमें, तो ये जो येलो येलो है, ये अलग अलग ब्रांचेस से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही वो न्यूरॉन्स आ रही है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसमें जो फोरामेन है ना, छोटा छेद है हर वर्टेब्रे के बीच में से, उसमें से वो स्पाइनल कॉर्ड जाता है। अगर कोई भी दिक्कत हो, उस स्पाइन को इरिटेट करता है कोई भी, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्पाइन सबसे सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, ठीक है। इसीलिए आपके स्पाइन की रक्षा कीजिएगा,
करेंगे ना? यस, आपके स्टूडेंट के भी और आपके खुद के भी। नेक्स्ट लिखेगा सेकेंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टेबिलिटी, सॉरी वर्टेब्रल कॉलम स्टेबिलिटी। स्पाइन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। शरीर में जो स्थिरता होती है उसका भी मेन कारण हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइन है, वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, कोई भी कार्य करते वक्त स्थिरता मेनली, मतलब आप अगर ऐसे बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, ठीक है, आपका स्पाइन उसे हैंडल कर लेगा, लेकिन जब आप कोई कार्य करते हैं उस समय स्थिरता बहुत आवश्यक होती है ना? कोई कार्य करते वक्त स्थिरता आवश्यक है। जैसे आप बेंडिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड हो, बैक बेंडिंग हो, तो उस समय आपका बॉडी गिर ना जाए। इंसान गिरता कब है बताइए? कब गिरता है? जब वो खड़े हैं तब गिरेंगे? नहीं, जब वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तब गिरेंगे, चलने की, भागने की, कुछ करने की, रनिंग करने की, तभी वो गिरते हैं ना। तो ये गिर नहीं रहा है व्यक्ति, इसका मतलब उसे किसी ने स्थिरता प्रदान की है। तो वो स्थिरता कौन प्रदान करता है? मसल्स। लेकिन मसल्स किसी ना किसी चीज को धरी हुई रहनी चाहिए ना, होल्ड किया होना चाहिए, तभी तो वो स्थिरता देगी। तो वो होता है ये स्तंभ, हमारा विजय स्तंभ, स्पाइन जो है, वर्टेब्रल कॉलम, उसी को मसल ने होल्ड किया है और उस वजह से उसे वो स्थिर, स्टेबल होल्ड कर पाती है ना। जब आप रनिंग करते हैं, डांस भी कर सकते हैं रनिंग करते वक्त, तो उस वजह से मसल्स आपको धर कर रखती है और मसल्स ने धरा है स्पाइन को, वर्टेब्रल कॉलम को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इस वर्टेब्रल कॉलम का। नेक्स्ट लिखिएगा शॉक एब्जॉर्ब, तो आपने लिखा होगा, ऑल राइट। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं, थोड़ा बॉडी वेट का आया ही है तो ठीक है, पढ़ा ही देता हूं आपको एक कंसेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, पढ़ा देता हूं, इससे है ना आपको एनाटॉमी का बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो लिखिएगा बॉडी कैविटीज। सर जी टूथ कैविटी सुना है, ये बॉडी कैविटीज क्या है? राइट डाउन बॉडी कैविटीज। अकेले तो नहीं सुन रहे ना, अकेले नहीं सुनना है, फैमिली मेंबर्स को साथ में लेकर सुनिएगा लेक्चर को, ठीक है। बच्चे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें होती हैं, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक तो होता ही है ना, इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो बहुत बार होता है कि उनको बायोलॉजी कठिन लगती है, ये विषय कठिन लगता है, वो विषय, और योग शिक्षक को तो चाहिए ही चाहिए, पता सिलेबस में है नहीं है ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। मैं बहुत से योग शिक्षक को देखता हूँ, वो जैसे कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसलिए एनाटॉमी पढ़ते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। एनाटॉमी आपको इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं हूँ आपके साथ, तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, इतने सारे बुक्स हैं एनाटॉमी के पढ़े मार्केट में, वो ले लीजिएगा। एनाटॉमी मैं ये नहीं कह रहा आपको सब कुछ पढ़ना है, उतनी डॉक्टर को भी नहीं पता होती है, तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी चीज़ें स्पाइन को एटलीस्ट पढ़ लीजिए, अभी ये करने के बाद तो ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन विशेष ध्यान लेकर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और आपको समझ में आना चाहिए, हमेशा हर एक योग शिक्षक को समझ में आना चाहिए, जो आज वो कर रहे हैं क्या इसका बेनिफिट उनको अगले 5 सालों के बाद भी मिलेगा, है ना, तो वो समझ जाइएगा। मैं देखता हूँ कितने सारे योग शिक्षकों को बहुत कुछ कोर्सेज करते रहते हैं, बहुत सा एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, लेकिन उनको पता ही नहीं होता वो कर क्यों रहे हैं, है ना। तो पहले पता कर लीजिए जीवन का ध्येय क्या है, करना क्या है, और उसके बाद उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना। तो वो पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा ध्येय बना लीजिए, सोचिए कि क्या करना है, ठीक है। आपको अगर आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल योग में एमए कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी है और उसका बेनिफिट है भी नहीं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। सिर्फ होप के बल पर, आशा के बल पर उसे ज्वाइन करना ये सही नहीं है। सिर्फ एमए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी संस्था से भी कोई परीक्षा देते हैं या फिर अभ्यास करते हैं, तो ये समझिएगा कि क्या इसमें सच में मेरा, मुझे लाइफ में कुछ इसमें वैल्यू मिलेगी, क्या सिर्फ मेरे नाम के आगे कुछ लग जाएगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। दूसरा, क्या मुझे इसमें अच्छा सा रिसर्च का ओरिएंटेशन मिलेगा, क्या मुझे इससे जो मेरे स्टूडेंट रहेंगे, क्लाइंट्स रहेंगे, उनको सबसे बेहतरीन सेवा मिलने के लिए मदद मिलेगी। अगर आंसर हाँ है तो उसको कर लीजिएगा, अगर आंसर ना है तो वो कैसे हो सकता है वो ढूंढिएगा और फिर उस कोर्स को कर लीजिएगा, ठीक है। और शिक्षण या फिर एजुकेशन आप कहीं से भी लीजिए, कहीं पर भी एजुकेशन कम ज़्यादा नहीं होता, कम ज़्यादा होता है हमारा ध्येय, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता, कन्फ्यूजन चलता रहता है जीवन में, है ना, क्या करे क्या नहीं करे। और आज दुनिया में इतना डिमांड है हेल्थ से रिलेटेड लोगों की,
लेकिन ये डिमांड पूरी क्यों नहीं हो पाती है पता है? लोग तो हेल्थ किससे रिलेटेड फील्ड में जाते हैं, लेकिन जो अनहेल्दी लोग हैं उनको ही नहीं देखते हैं, उनके प्रॉब्लम को ही नहीं समझते कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना, इस वजह से। और ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ओरिएंटेशन की कमी है लोगों में, बातचीत कैसे करनी है, किस तरह से लोगों को अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, विश्वास दिलाना है, ये सारी चीज़ें बहुत कम पड़ जाती हैं। और यहाँ पर ज़रूरत होती है मेंटर की। तो हमेशा अपने जीवन में एक मेंटर रखिएगा, एक गाइड रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे पहले ज़माने में गुरु वगैरह होते थे, अभी भी है बहुत से गुरु है जिनको पूरा जीवन वो दिया करते थे, है ना, जीवन मतलब सारी चीज़ें जो वो मांगे वो, तो मैं इतना भी नहीं कह रहा, लेकिन गाइडेंस के लिए किसी मेंटर का साथ हमेशा लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है नॉलेज से भी ज़्यादा, तो वो मेंटर की होती है ना, क्योंकि नॉलेज तो अंदर ही है हमारे, नॉलेज वो बस बाहर निकाल देंगे हमारे मेंटर। बहुत बार आपको भी लगता होगा कि मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको एक ऐसा मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपका हैंड होल्डिंग कर सके। ये आपका मित्र हो सकता है जो योग की फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, या फिर आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मेंटर। तो मेंटर का हमेशा एक सलाह लीजिए जिसने कुछ जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, है ना, तो वो थोड़ा सा देखकर समझिएगा, आगे बढ़िएगा। मैं इतनी इससे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत से योग शिक्षकों को बहुत से पैसे वेस्ट करते हुए देखता हूँ, चाहे वो सीखने में हो या फिर कुछ करने में हो, और मुझे नहीं लगता कि ना किसी ने समय और पैसे वेस्ट करने चाहिए, उन्होंने अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ अच्छा बिल्ड करने के ऊपर। और उस वजह से क्या होता है, वो बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो दोष किसको जाता है, उनको लगता है कि इस फील्ड में इतना अपॉर्चुनिटी है नहीं, इस फील्ड में हमारे भाग्य में कुछ है नहीं। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपको सही दिशा नहीं मिल पाई इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज सच में नहीं मिलती है, किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो ये भाग्य की बात है। लेकिन कोशिश तो हम डेफिनेटली सही रास्ते में कर सकते हैं, तो सही रास्ते में कोशिश ज़रूर कीजिएगा, रास्ता सही रखिएगा। पॉसिबिलिटी योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में कमाल की है, इतनी पॉसिबिलिटी है भैया, इतनी पॉसिबिलिटी है, सर्व करने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं, लोग इतनी डिमांड करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आशा करता हूँ आप अभी भी जुड़े हैं और एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप यस टाइप कीजिए, कीजिए यस टाइप। अगर आप जीवित है अभी भी, वो आत्मा तमन्ना जागृत है स्पाइन के बारे में और पढ़ने के लिए, यस ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है जब आप टाइप करते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट, बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज क्या होता है? बॉडी कैविटीज मतलब अंतराल, कैविटी मतलब खाली जगह। तो हमारे शरीर में टोटल 4 बॉडी कैविटीज है, कितनी है लिखिए, सॉरी 5 है, वेरी सॉरी, हमारे बॉडी में टोटल 5 बॉडी कैविटीज हैं। राम सर जी ऐसे कैसे होगा, आपके भूलने से कैसे होगा, जब इमोशनल हो जाते हैं ना तब भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं अभी नहीं होगा। सो 5 बॉडी कैविटीज हैं, तो इसे क्यों समझना है सर जी, इतना सारा एनाटॉमी में हम समझ तो रहे हैं। देखिएगा, अगर आप एनाटॉमी सीखना चाहते तो पहले बॉडी कैविटीज पढ़ना है आपको। ये मैंने सिलेबस में नहीं रखा था, बट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एक तमन्ना थी मेरी कि ये सेशन होने के बाद ऐसा ना रहे यार कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनाटॉमी का जो है, ये इनको मैंने बताना छूट गया, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा, बॉडी कैविटीज मतलब खाली जगह। तो खाली जगह हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है, 5 खाली जगह है मेनली, उनको हम बॉडी कैविटीज कहते हैं, और उन बॉडी कैविटीज में शरीर के अंग है, बॉडी ऑर्गन्स है। ऑलराइट, यस सर, अभी हम समझे। मैंने कल भी आपको बताया था, तो मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो नंबर 1 चीज लिखिए जो आपको कभी नहीं भूलना है, वो है बॉडी कैविटीज। आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी कैविटीज कभी नहीं भूलना है। तो ये 5 बॉडी कैविटीज कहाँ कहाँ पर होते हैं, उनमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये भी मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। इसमें ज्यादातर नाम आपको ऑलरेडी पता है, ज्यादा मतलब 4-5 नाम आपको ऑलरेडी पता है, हो सकता है एक आधा नाम आपको कठिन लगे, पर डरने की बात नहीं, साइड में मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। पहली बॉडी कैविटी वो है जिसमें हमारा ब्रेन होता है। सर जी ब्रेन किस कैविटी में होता है? कोई भी चीज किसी खाली जगह में ही रखेंगे ना, कोई भी चीज हम किसी खाली जगह में ही रखेंगे ना, हाँ,
तो इसीलिए ब्रेन भी किसी खाली जगह में होगा, सर जी ये तो खोपड़ी में है, तो उसे ही कहते हैं क्रैनियल कैविटी, CRANIAL, क्रैनियल कैविटी। क्रैनियम कहते हैं ना इस पार्ट को जिसमें ब्रेन है, तो क्रैनियल कैविटी लिखिए, उसका अंग लिखिए, क्रैनियल कैविटी के आगे लिखिए उसमें कौन सा ऑर्गन है, कौन सा है जी, ब्रेन है, ब्रेन है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड भी है, ठीक है, ग्रंथियां है ये दो। सो ब्रेन लिखे, लिखा आपने, दूसरी बॉडी कैविटी लिखिएगा वर्टेब्रल कैविटी। सर जी अभी आप मत बताइए, हमें पता है कि वर्टेब्रल कैविटी में कौन होगा, तो बताइए कमेंट में वर्टेब्रल कैविटी में कौन होता है। वर्टेब्रल कैविटी मतलब वर्टेब्रल कॉलम ने बनाई हुई खाली जगह, वर्टेब्रल कॉलम ने बनाई हुई खाली जगह, तो वर्टेब्रल कॉलम ने जो खाली जगह बनाई है उसमें कौन है भैया, ये ब्रेन का असिस्टेंट कहलाता है, इसे आप सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। बड़ा कमाल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिए कमेंट में पटापट, जितना ऊर्जा से लिखेंगे, दूसरे का आंसर कॉपी मत कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो लिखिएगा, पता नहीं है, पता होना चाहिए, कल ही हमने पढ़ा, आज भी पढ़ा इसके बारे में। यस वेरी नाइस, इसका करेक्ट आंसर है स्पाइनल कॉर्ड, लिखिए वर्टेब्रल कैविटी के आगे लिखिए स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कैविटी के आगे लिखिए स्पाइनल कॉर्ड। वर्टेब्रल कैविटी यानी जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, इसके बीच में जो पूरा छेद है हर वर्टेब्रे के बीच में, उसमें से हमारा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो उस वजह से। मैं क्लास में बहुत बार ये प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा वर्टेब्रल कॉलम होल्ड करता हूँ और पूछता हूँ स्टूडेंट से, बताओ इस व्यक्ति का फेस किधर है, लेफ्ट की ओर है या राइट की ओर है, लेकिन इसमें पूछ नहीं सकता क्योंकि आप इसको देख लेंगे बता देंगे, है ना, फिर भी बता दीजिए इस व्यक्ति का फेस किस तरफ है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट की ओर है या लेफ्ट की ओर है, बताइए, ये भी टाइप कीजिए, इस व्यक्ति का फेस लेफ्ट की ओर है या राइट की ओर है। आपको जवाब आसान करने के लिए बता और भी क्लियर दिखा देता हूं, करेक्ट, इस व्यक्ति का फेस किस तरफ है, लिखिए फटाफट लिखिए, इस व्यक्ति का फेस है राइट की ओर, ठीक है, किस ओर है, राइट की ओर, क्योंकि देखिए ना पेल्विक गर्डल किधर है, ये है, और जो हमारा टेलबोन है ना, ये टेलबोन किस साइड में होता है, बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में, तो राइट की ओर है मतलब इधर है, ठीक है, ओके स्पाइन भैया, बहुत मदद किया आपने, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट कैविटी लिखिएगा थोरैसिक बॉडी कैविटी। थोरैसिक का स्पेलिंग लिखिएगा THORACIC, थोरैसिक, थोरैसिक बॉडी कैविटी। थोरैसिक मतलब चेस्ट का रीजन, थोरैक्स, चेस्ट का रीजन। देखिए बहुत बार एनाटॉमी सीख लेते हैं लोग, बहुत कुछ सीख लेते हैं, कौन सी कैविटी में कौन सा ऑर्गन है ये पता नहीं होता। बहुत बार आप लोगों से पूछिए कि उनका पैनक्रियास किधर है, लीवर कहाँ है, नहीं पता होता है। आइडिया होती है कि इधर होगा उधर होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता है। जब आप कैविटीज सीखते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, ठीक है, कैविटीज से पता चलता है। तो पहली लिखे थोरैसिक बॉडी कैविटी। थोरैसिक बॉडी कैविटी जो है इसका बेस जो है ये डायफ्राम नाम के एक मेम्ब्रेन से बना है। डायफ्राम आपको पता है ना, जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, तो उस समय लंग्स को लंग्स की जो मूवमेंट होती है उसको जो असिस्ट करता है मेनली, तो उसमें डायफ्राम का रोल है, ठीक है। डायफ्राम एक एक ये है पार्टीशन है ऊपर की और नीचे की कैविटी का, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है। तो लिखिएगा थोरैसिक बॉडी कैविटी यानी ये चेस्ट का पार्ट, इसमें कौन से ऑर्गन है, लिखे लंग्स और हमारा दिल यानी हार्ट। हार्ट इतना सा होता है, हमें लगता है इतना बड़ा होता है, इतना सा तो हार्ट है, उससे तो कई बड़ा लंग्स है ना। हार्ट भी हमारे हार्ट किस तरफ होता है, राइट की ओर है लेफ्ट की ओर है, बहुत बार हमने अभी तक सीखा है हार्ट तो हमारे लेफ्ट में होता है, हार्ट हमारे बॉडी के मिडल पार्ट में होता है, बस उसका एपेक्स जो है, उसका जो टिल्ट है वो लेफ्ट की ओर होता है, ठीक है। मतलब हृदय जो है हमारा ये ना ही इस तरफ है और ना ही इस तरफ है,
हृदय हमारा बीच में है, ठीक है, हार्ट इधर, और सिर्फ उसका टिल्ट जो है वो इधर है, मतलब उसका एपेक्स जो होता है एक कोना, वो सिर्फ हमारे लेफ्ट साइड में है। वो किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है, और इस कारण से हमें लगता है कि हार्ट लेफ्ट में है। ऑल राइट, तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे थोरैसिक बॉडी कैविटी में है, लंग्स एंड हार्ट। कौन सी कैविटी में है लंग्स एंड हार्ट? थोरैसिक बॉडी कैविटी में, दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है। नेक्स्ट लिखिएगा एब्डोमिनल बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल बॉडी कैविटी, एब्डोमिन कहते हैं ना हम एब्डोमिन, तो एब्डोमिन में कौन से ऑर्गन होते हैं? सबसे ज्यादा इसी में होते हैं ऑर्गन्स। लिखिएगा एब्डोमिनल बॉडी कैविटी। एब्डोमिन मतलब ये हमारा पेट का हिस्सा जिस पर सारी दुनिया चल रही है पेट के लिए। तो लिखिएगा एब्डोमिनल बॉडी कैविटी में कौन से ऑर्गन होते हैं? उदर, उदर यानी हमारा स्टमक, स्टमक होता है, और लीवर होता है। लीवर हमारे बॉडी के राइट साइड में होता है। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। वैसे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, और उसके बाद लीवर होता है। तो लीवर भी है, बहुत बड़ा सा है लीवर, ये भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, राइट साइड में होता है लीवर, ठीक है। ये बहुत इधर लेफ्ट तक भी आता है इसका बीक। तो लीवर जो है ये भी एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, पैनक्रियास भी किधर है? पैनक्रियास लेफ्ट साइड में होता है। पैनक्रियास किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है, वो है ना, डायबिटीज वालों को पता है पैनक्रियास क्या है, इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि। उसके बाद लिखिएगा स्प्लीन, स्प्लीन भी एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि भी है, ऑर्गन भी है स्प्लीन। मेनली बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उससे ये जुड़ा ऑर्गन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन है स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। उसके बाद इंटेस्टाइन भी होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। ऑल राइट, समझ में आया? देखिए किसी भी कैविटी में, ये ऑर्गन के मैं नाम बता रहा हूँ इसका मतलब बस यही चीज़ें, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फेशिया है, मसल्स है ना, वो कैविटीज का फ्लोर मसल्स ही तो फॉर्म करती है, फैट है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। लिखे नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है वो है किडनीज। किडनी कहाँ पर होती है बताइए? किडनी कहाँ पर होती है? इधर नीचे होती है सर जी, नीचे होती है। अभी नीचे ऊपर नहीं कहना है, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। किडनीज होती है हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली यानी आपको कल बताया था, पीछे की ओर, पीछे की ओर होती है किडनी पोस्टीरियरली, है ना, एब्डोमिनल कैविटी में, लैटरल एंड पोस्टीरियर। लैटरल मतलब साइड में, पोस्टीरियर मतलब पीछे, साइड में पीछे की ओर होती है किडनीज, ठीक है। किडनी के ऊपर दो टोपी है, उस टोपी को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। लिखिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एड्रिनल ग्लैंड भी है, इमरजेंसी में काम आती है बड़ी है एड्रिनल ग्लैंड, वैसे भी काम आती है, करती है, इमरजेंसी में इसका खास महत्व है। ओके, आई होप आप ये लिख भी रहे, सुन भी रहे, समझ भी रहे कि एब्डोमिनल कैविटी में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, मैं इस पर सवाल भी पूछूंगा। नेक्स्ट लिखिएगा पेल्विक बॉडी कैविटी, पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर है और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऑलराइट, ये हमारे बॉडी की पांच इंपॉर्टेंट कैविटीज है जिसको आपको याद रखना है, इसके ऑर्गन्स को भी याद रखना है। अभी मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, बताइएगा ये ऑर्गन किस कैविटी में होता है, मैं उस ऑर्गन का नाम आपको पूछता हूँ और उसकी कैविटी आपको कमेंट में लिखनी है। आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट के लिए आपका फोन हाथ में ले लीजिएगा। सो इस बॉडी पार्ट का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बताइए किस बॉडी कैविटी में है। समय की शुरुआत हो चुकी है, 10 सेकेंड है आपके पास खाली। करेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे क्रेनियल कैविटी में है। कौन सी कैविटी में है? क्रेनियल कैविटी में, ब्रेन में ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, बताइएगा लीवर किस बॉडी कैविटी में है, थोरेसिक में है या और कहीं है? लीवर किस बॉडी कैविटी में है? लीवर कितने होते हैं हमारे शरीर में? दो होते हैं या चार होते हैं वो भी लिखिएगा आपके कमेंट्स में। लीवर हमारे बॉडी में दो है या चार है ये भी लिखिएगा। ऑल राइट, लीवर हमारा एब्डोमिनल कैविटी में है और लीवर हमारे बॉडी में ना ही दो ना ही चार, एक ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा मत बताइएगा, ओवरीज ये किस बॉडी कैविटी में आती है? ओवरी जिसे अंडाशय भी कहते हैं, ये फीमेल में होती है, महिलाओं में होती है, और ये किस बॉडी कैविटी में होती है? 10 सेकेंड है आपके पास। बॉडी कैविटीज ऐसे इमेजिन कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शास्त्र है बॉडी कैविटीज का, हमें स्पाइन के कर्वेचर डिफॉर्मिटी भी कवर करना, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई बात नहीं, अगर समय कम पड़े तो आपके लिए और एक सेशन अरेंज कर लेंगे। ओके जी, ठीक है, परफेक्ट। तो ओवरी जो है ये पेल्विक बॉडी कैविटी में होती है। आशा करता हूँ कैविटीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। कैविटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, अगर मुझे समय मिले ना तो कैविटीज के ऊपर मैं 2 दिन कंटिन्यू बात कर सकता हूँ, इतना महत्व है कैविटीज का। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि क्या डायरेक्शन है कैविटीज की। कैविटीज जो है ना हमारे बॉडी में, ये आकाश तत्व दर्शाती है। खाली जगह, कैविटीज मतलब जिसमें ऑर्गन रखे, कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। हम इन जनरल खाने में फोकस करते हैं तो हम फोकस करते हैं पृथ्वी तत्व पर, जल तत्व पर, अग्नि तत्व पर फोकस करते हैं। आजकल का जो डाइट साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस है, अग्नि पर, आजकल का क्या जो ये मॉडर्न साइंस भी, मोस्टली बहुत से आयुर्वेदिक लोग भी अग्नि तत्व पर भी फोकस नहीं करते है ना। ज्यादातर योग शिक्षकों में देखता हूँ ये प्रॉब्लम है तो ये खा लो, ये प्रॉब्लम, अग्नि तत्व किधर गया उसको भूल जाते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं डाइट का भी आपका क्लास लूंगा, और अग्नि तत्व, उसके बाद वायु तत्व, वायु तत्व ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कोई ध्यान देता नहीं है, और आकाश तत्व को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। आकाश तत्व में जब बिगाड़ आता है तो आप देखिए बहुत प्रॉब्लम, बड़े भयंकर होते हैं। भले आपके पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम है, मेडिकल साइंस इसको इजीली कवर कर देगा, आप भी कवर कर लोगे। आकाश तत्व में जब प्रॉब्लम आता है ना तो बड़े प्रॉब्लम कहलाते हैं, जैसे किडनी स्टोन बड़ा प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज, प्लेक फॉर्म होता है आर्टरीज में, आकाश तत्व का प्रॉब्लम है। ब्रेन ट्यूमर कैसा प्रॉब्लम है? आकाश तत्व का प्रॉब्लम है ना। गॉल ब्लैडर स्टोन आकाश तत्व का प्रॉब्लम है। निमोनिया, अस्थमा किसका प्रॉब्लम है? आकाश तत्व का प्रॉब्लम है। लंग्स में पानी भर जाना आकाश तत्व का प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी आप देखिए, फॉर एग्जांपल किसी का बॉडी फैट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी के इनसाइड, फैटी लीवर भी आप कंसिडर कीजिए, आकाश तत्व का प्रॉब्लम है। ये बीमारियाँ छोटी मोटी थी तो थी क्या? नहीं थी, बड़ी थी। ओवरियन सिस्ट जिसे हम PCOD कहते हैं या PCOS भी होता है, आकाश तत्व का प्रॉब्लम है ना, वायु और आकाश तत्व का प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिकली। ये प्रॉब्लम जो है ना ये बड़े खतरनाक होते हैं, इन तत्वों को भी मैनेज करना आना चाहिए। इन तत्वों को भी जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो वो हमें कमाल का डायरेक्शन देता है, और यही है ज्ञान की ताकत। ज्ञान हमेशा आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, दिशा देता है सोचने के लिए। ज्ञान क्या देता है? आपको दिशा देता है, और हमें ऐसे ही ज्ञान को हमेशा अर्जित करना चाहिए, ऐसा ज्ञान जिसमें दिशा मिले हमें आगे सोचने के लिए। नहीं तो अगर मैं आपको यहाँ पर स्पाइन सिखा देता, ओके ओके सर जी, राम सर ने पढ़ाया, अच्छा सेशन था, एंटरटेनमेंट हो गया, हुर्रे, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन 3 दिन करने के बाद ऐसी ब्रेन को दिशा मिले कि आप एनाटॉमिकल वे से, इस जो पिंड बनाया हमारा शरीर भगवान ने, इसकी वे से सीख समझने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाए और उसका आनंद ले। इसमें ज्ञान का आनंद लेना है ना तो आश्चर्यचकित होना होगा। अगर आश्चर्यचकित होना है तो उस ज्ञान में सोचना होगा, चिंतन करना होगा, तो वो आपको करना होगा, ठीक है। तो ये था कैविटीज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कर्वेचर डिफॉर्मिटीज और कर्वेचर डिसऑर्डर, स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज और स्पाइनल कर्वेचर डिसऑर्डर्स। क्या आप सभी लोग खुश हैं ये सेशन ज्वाइन करके? बताइएगा प्लीज, इतना पढ़ाए और आप खुश ना रहे, कैसी बात होगी? तो आप बताइएगा, अगर आप खुश नहीं है तो हम और भी कुछ करेंगे आपको खुश करने के लिए। देखिए, जो मैंने आपको ग्रुप में बताया, मैसेज वगैरह किया है कि नोट्स तो दे दिया आपको, और वीडियोस भी दिए हैं, वो वीडियोस आप देखिएगा। उसमें आई थिंक 2 साल पहले मैंने वो बनाए थे, और वो अभी तक मैं जो हमारे कोर्सेस होते उनको ही मैं देता था, बड़े बड़े कोर्सेस को, लेकिन अभी मैंने आपको दे दिए। ये इसलिए दिए क्योंकि आपको साथ में रहे 30 दिन तक, आप उसको एटलीस्ट रिवाइज वगैरह कर सके। बहुत वीडियो एडिट किया है, उसका एक वीडियो है ना
आपको पता है जो 15 मिनट का वीडियो है उसको 8 घंटे लगे थे मुझे एडिट करने में एक वीडियो को। और वो दिन भर हम वही करते रहते थे, दिन भर मेरा वही फोन में एडिटिंग वगैरह चलता रहता था। उस समय इतना सीखा नहीं था एडिटिंग वगैरह, तो उस समय सीख कर उसे करना इसीलिए समय लगा था, लेकिन वो जायज़ था इतना भी समय। पता नहीं अभी इतनी मेहनत जब उस समय हुई थी उसके तो अभी 50% ही कर पाते हैं, बट कोशिश करता हूँ कि उतनी ही मेहनत करें। तो वो वीडियोस को ध्यान देकर देखिएगा, और मुझे पता है कुछ लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन दिखेगा, तो ज़्यादा उसमें कोशिश मत कीजिएगा अगर आपका इजीली एक्सेस नहीं होता है। तो मुझे आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं आपकी सेवा में हूँ जी, तो आप पूछिएगा तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और जब भी आप मैसेज वगैरह करते हैं तो मैं ही हैंडल करता हूँ सारे मैसेजेस, ठीक है, तो मैं ही रीड करता हूँ और मैं ही उसका रिप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे से ही बातचीत कर रहे हैं, और फीडबैक भी आपको कोई देना है कि सर ये हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं मुझे ये चाहिए था पर आपने वो नहीं सिखाया, निश्चिंत होकर बताइए, आपकी ही सेवा में। नेक्स्ट लिखेगा कर्वेचर डिसऑर्डर, तो उसमें पहला लिखिएगा, पहला लिखने से पहले मैं बताता हूँ पहला प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में देखिएगा इस व्यक्ति का जो पोस्चर है इसे हंच बैक अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हंच बैक अपीयरेंस, इसे स्टूप पोस्चर भी कह सकते हैं आप। तो ये जो हंच बैक अपीयरेंस है इसमें क्या हुआ देखिएगा, इसका कर्वेचर देखिए स्पाइन का, जो थोरैसिक कर्वेचर है ये और एक्सटेंड हुआ है ना जी आगे की ओर, इनकी गर्दन झुकी है ना, देख रहे हैं ना आप, तो ये जो है ये हंच बैक अपीयरेंस कहते हैं। लिखिए इसका नाम है हाइपर काइफोसिस, ये शब्द आपके स्क्रीन पर भी है टाइप किया है, तो उस वर्ड को देखिए हाइपर काइफोसिस। हाइपर यानी बढ़ जाना, हाइपर यानी बढ़ जाना, हाइपर यानी क्या होता है बढ़ जाना, काइफोसिस यानी उस कर्वेचर को कहते हैं जो थोरैसिक स्पाइन का कर्वेचर है ना बाहर की ओर, तो वो काइफोटिक कर्वेचर होता है, तो उस कर्वेचर का बढ़ जाना यानी हाइपर काइफोसिस, इसे स्टूप पोस्चर या हंच बैक अपीयरेंस कहते हैं। बताइए फटाफट अभी कि कौन सी जॉब करने वाले लोगों में ये पोस्चर बहुत कॉमन है, बताइए जल्दी कमेंट कीजिएगा, किस तरह का जॉब करने वाले लोगों में ये पोस्चर बहुत कॉमन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप क्या रेडी रहते हैं क्या आंसर, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर आपका रेडी रहता है, वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। किसी एक जॉब का नाम लिखिए, मतलब तुरंत आप रिप्लाई कर पाएंगे, अमेजिंग। तो इसका आंसर है मेनली जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वर्क करते हैं, आईटी वर्क करते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादातर होता है, ठीक है। और हाँ मैं ये पॉइंट आगे बताऊंगा, तो ये कौन से जॉब करने वाले लोगों में होता है, जो आईटी फील्ड में ज्यादातर काम करते हैं, तो इनमें हंचबैक अपीयरेंस होता है। लेकिन यहां तक सीमित नहीं है, जो अभी आजकल के बच्चे फोन लेकर रहते हैं इस तरह से फोन को होल्ड करते हैं, नीचे 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 गर्दन चली जाती है, तो हर 15 डिग्री के साथ ये वजन बढ़ाता रहता है, और ये 30 kg तक इस जो हेड है हमारा वजन इतना बढ़ जाता है। तो आप सोचिएगा अगर ऐसा मोबाइल फोन लेकर नीचे झुककर देखते रहे तो कैसा होगा हमारा स्पाइन के कर्वेचर का, है ना, कर्वेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के लिए भी, जीवन में आगे बढ़ना है तो अनुशासन चाहिए, है ना, डिसिप्लिन चाहिए, तो वो डिसिप्लिन के लिए जो आंतरिक हमारी ताकत होती है वो भी चाहिए। डिसिप्लिन कोई आसान काम नहीं है, मन में बहुत से विषय आते हैं, विषय विचलित कर देते हैं, तो उनको हटाकर अनुशासन में रहने के लिए अंदर से एक प्रेरणा चाहिए, तो उस प्रेरणा को धर कर रहने वाला ये वर्टेब्रल कॉलम है, स्पाइन है, जितना स्ट्रेट रहेगा उतना वो स्थैर्य भी बढ़ता जाएगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा हंच बैक अपीयरेंस में कारण लिख लिया ना आपको, आपने किस वजह से होता है, हाँ नहीं तो आप देखिएगा कौन सी उम्र के लोग हैं इनमें, अगर आपके पास आता है तो उनकी उम्र क्या है और किस कारण से हुआ है। मैं जो कारण कारण कह रहा हूँ ना उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा पूरा क्योर होता है योगाभ्यास से, इजीली भी होता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने कारण को नहीं छोड़ा, जिसकी गलती आप खुद कर सकते हैं, उनको कारण के ऊपर उपाय ना बताकर, मतलब किस वजह से ये हो रहा है और उस कारण को स्टॉप करने के लिए, उसका ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए या कुछ अलग पोजिशन बताने के लिए, कुछ अलग टूल्स हैंडल करने के लिए देने के लिए, ये अगर आपने नहीं किया तो उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण उसने नहीं छोड़ा है ना।
तो ये भी आप याद रखिए, अगर एक टैंक है, वाटर टैंक, नीचे होल है, ऊपर से कितना भी पानी डालिए वो कुछ देर बाद खाली ही होने वाला है ना, तो उस होल को पहले क्लोज कर दीजिए, यानी कारण को पहले नष्ट करना है, बीमारी ठीक करने से पहले, बाद में उपाय करना है। हमारा चलता है ये प्रॉब्लम है ना तो ये लो, ये प्रॉब्लम है ना तो ये आसन करो। अरे भैया कारण कब देखोगे, दूसरे जन्म में कारण देखेंगे क्या? कारण पहले नष्ट करना है, उसके बाद थेरेपी करनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट लिखिएगा हाइपरलॉर्डोसिस। हाइपरलॉर्डोसिस में क्या होता है, जो स्पाइनल कर्वेचर है, इमेज में देखिएगा, जो लोअर लंबर रीजन का कर्वेचर है वो और डीप चला जाता है, और बॉडी जो है ये स्वे बैक होती है, इसे स्वे बैक अपीयरेंस भी कहते हैं। सो लिखिए सेकेंड कर्वेचर डिफॉर्मिटी, स्वे बैक अपीयरेंस, यानी पीछे झुकना इस तरह से, स्वे बैक अपीयरेंस, पीछे झुकना। हाइपर काइफोसिस में क्या हुआ था, आगे की ओर स्टूप पोस्चर, स्वे बैक में पीछे की ओर, तो जो लोअर लंबर रीजन है, लोअर बैक का रीजन है, वहां से और वो अंदर धस जाता है और स्पाइन पीछे झुक जाता है, बॉडी ओवरऑल पीछे झुक जाती है। ठीक है, इसमें आप मेनली देखेंगे कि बटक्स रीजन और प्रोमिनेंट दिखने लगता है, एबनॉर्मल दिखता है पोस्चर, तीनों के तीनों जो हम स्पाइनल डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे वो तीनों ही एबनॉर्मल दिखती है, दूर से दिखाई देता है कि पोस्चर जो है गलत है। ठीक है, और अगर किसी का पोस्चर गलत है ना तो सुंदरता पर दाग लग जाता है, सच में लगता है, आपको भी बताए सुंदरता पर पोस्चर की वजह से दाग लगता है, भले ही आप कितने ही ब्यूटीफुल, कितने ही हैंडसम क्यों ना हो, अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो डल ही लगेंगे, तो पोस्चर को सही रखना आपका काम है। तो इसे हाइपर लॉर्डोसिस कहते हैं, हाइपर यानी बढ़ जाना, लॉर्डोसिस यानी जो नीचे का कर्वेचर होता है स्पाइन का, लोअर लंबर रीजन का, ये लॉर्डोसिस वाला कर्वेचर है। ठीक है, तो हाइपर लॉर्डोसिस, वेरी सिंपल, हाइपर काइफोसिस, हाइपर लॉर्डोसिस। तीसरा आपने देखा होगा, अभी तो जो हमने दो कर्वेचर डिफॉर्मिटी देखी ये आपको तब पता चलती है जब व्यक्ति को आप साइड से देखते हैं, जो हाइपर काइफोसिस है, हाइपर लॉर्डोसिस है, ये आपको तभी दिखाई देगा जब आप व्यक्ति को साइडवेज से देखेंगे। नींद तो नहीं आ रही है ना किसी को, थोड़ी समय बचा है, साइड से देखेंगे तभी। अभी तीसरा जो कर्वेचर डिफॉर्मिटी है वो आपको तब दिखेगा जब व्यक्ति को आप सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे। फ्रंट व्यू से कर्वेचर है कोई स्पाइन में नहीं है, स्पाइन कैसा है फ्रंट से, बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्रंट से स्पाइन कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि किसी का स्पाइन जो है इस तरफ मुड़ा होता है सामने से देखेंगे तो, या फिर एस शेप में होता है, तो ऐसी बीमारी जिसमें स्पाइन का शेप एस शेप हो जाता है या फिर सी शेप हो जाता है उसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस, SCOLIOSIS, स्कोलियोसिस। तो ये स्कोलियोसिस में स्पाइन का शेप सी शेप या एस शेप हो जाता है। एक बार मैंने एग्जाम में पूछा था कि उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें स्पाइन का शेप जो है ये एस शेप हो जाता है, तो स्टूडेंट ने आंसर दे नहीं पाया, एक दो स्टूडेंट ने, तो मैंने पूछा उनसे आप ये आंसर क्यों नहीं कर पाए, सर आपने तो पढ़ाया था कि स्कोलियोसिस में तो स्पाइन का शेप सी शेप होता है और हमें लगा एस शेप नहीं होता है। अरे भैया सी और एस दोनों में से किधर भी हो सकता है, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा किधर भी, साइडवेज बेंडिंग होती है स्पाइन की जो कि नहीं होनी चाहिए। सामने से आप स्पाइन देखेंगे तो स्ट्रेट दिखाई देता है, साइड से देखेंगे तो कर्वेचर दिखाई देता है, तो ये है, तो इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस के क्या लक्षण है, एक शोल्डर ऊपर दिखेगा, एक शोल्डर नीचे दिखेगा, बटक्स एक ऊपर दिखेगी एक नीचे दिखेगा, व्यक्ति ऐसा चलेगा, पुष्पा स्टाइल, पुष्पा मूवी आपने देखा है ना, हाँ उसका नाम पता नहीं पुष्पा ही है नहीं, उसका वो बड़ा वायरल हुआ था स्टाइल चलने का, तो वो स्कोलियोसिस वाला व्यक्ति वैसे ही चलता है, उसको याद करना। ठीक है, और बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत लिमिटेशंस आती है, तीनों ही के तीनों ही कर्वेचर डिफॉर्मिटीज जो है, तीनों के तीनों कर्वेचर डिफॉर्मिटीज जो है, इसमें व्यक्ति को बैक पेन, सर्वाइकल पेन या फिर थकान होना दिन भर में, ये सारे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये व्यक्ति ज़्यादा थकान जल्दी आ जाती है इनमें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे थकान बहुत होती है, सुबह उठकर ऐसा फ्रेश नहीं लगता है, रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती है, उसका पहले पोस्चर देखो, उसका पहले क्या देखेंगे, पोस्चर देखो। अगर पोस्चर कमज़ोर है उसका तो वो डिफॉर्मिटी की वजह से मसल हमेशा टेंशन में रहेगी और उस वजह से उसमें थकान बनी रहेगी, कितना भी ऑक्सीजन ले ले, कितना भी प्राणायाम करे, वो उतना थकान नहीं जाएगी, इसलिए पहले इनका पोस्चर ठीक करे, जिस कारण से पोस्चर बिगड़ रहा है उसको ठीक करे ना जी। ओके,
सो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो स्कोलियोसिस है ये थोड़ा डेंजरस प्रॉब्लम है, डेंजरस है। इसमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सर जी क्या बता रहे हैं आप, स्पाइन की बात कर रहे थे, अभी सांस में कहाँ से आकर गया, स्पाइन क्या नाक में चला जाता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है ये पीछे की ओर, और जो हमारी रिब्स है, रिब्स यानी जो अस्थि पिंजर है, यहाँ पर रिब्स होती है ना हमारी, रिब्स पीछे की ओर स्पाइन से ही तो कनेक्टेड है। रिब्स जो है हमारी पीछे की ओर स्पाइन से ही कनेक्टेड है। तो अगर स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो रिब्स का स्ट्रक्चर भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और जो हमारी थोरेसिक कैविटी है इस पर असर पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी बिगड़ जाएगी। इसीलिए लंग्स को एक्सपांड होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दिक्कत होगी, इसीलिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत होने के कारण से इनमें थकान रहती है, एनर्जी नहीं रहती, ऊर्जा नहीं रहती, बैक पेन हमेशा होता रहता है जो सीवियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर जी ये तीनों प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिफॉर्मिटीज है, जिसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल विहार, और ये टोटली 100% क्यूरेबल है। कैसे क्योर हो सकती है? योगाभ्यास से क्योर होती है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसका अभ्यास किया, योगाभ्यास योग विद्यार्थियों ने, तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं ट्रेन होने के लिए, या फिर आपके क्लाइंट को मदद करने के लिए इसको कैसे ठीक करते हैं। तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके आसन भी होते हैं, आप YouTube पर भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। YouTube बड़ा मदद करता है हमारा आजकल, है ना, तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा स्कोलियोसिस, इसका लिमिटेशन है, ये कभी ठीक हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। अगर स्कोलियोसिस थोड़ा सा है तो आसन प्राणायाम वगैरह से ये ठीक होता है। अगर ये ज़्यादा बड़ा है, किसी वर्टेब्रे की एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से, बहुत ज़्यादा वर्टेब्रे बड़े भी है, कुछ कुछ लोगों में होता है जो वर्टेब्रे 26 होने चाहिए 28 हो गए, है ना, ऐसा भी हो सकता है, एक साइड में ही वर्टेब्रल ग्रोथ हो गई, है ना, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उस कारण से अगर है तो कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उस समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाइपरलॉर्डोसिस और हाइपरकाइफोसिस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। योग और आयुर्वेद के माध्यम से इसे इजीली ट्रीट किया जा सकता है। जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक जीना चाहते हैं, हेल्दी जीना चाहते हैं, तो उनको पोश्चर बड़ा इंपॉर्टेंट समझना होगा, पोश्चर का ध्यान रखना होगा। आशा करता हूँ आप पोश्चर का विशेष ख्याल रखेंगे। आशा करता हूँ ये सेशन भी आपने इंजॉय किया होगा। कल हम और पढ़ेंगे इसमें, और इन डेप्थ में, थोड़ा सा आपको पेन के बारे में बताऊंगा, साइंस ऑफ पेन बताऊंगा, ऑक्सीजन का भी थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन दूंगा समझने के लिए, और जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मेन तो और है इन डेप्थ, जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इन जनरल रिपोर्ट्स में होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ कल भी आप जुड़े रहेंगे, आज का सेशन भी आपने इंजॉय किया होगा। आपसे एक दरख्वास्त है, ये सेशन जो है ना, मैं चाहता हूँ कि भारत के हर योग शिक्षक तक जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी आपके भाई या योग शिक्षक जो योग के फील्ड में है वो इन सेशन को अटेंड करें, तो आप, है ना, नेक्स्ट सेशन का मैं आपको बताऊंगा, तो उस समय उनको वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उनको इंसिस्ट कीजिएगा ये ज्वाइन करने के लिए, जिससे मुझे भी मदद मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा योग शिक्षकों तक पहुँचने के लिए। आपकी कृपा ऐसे ही बनाई रखिएगा, आपके हमेशा के लिए, समय के लिए, आपके ध्यान के लिए, इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक अनोखे सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।